क्राउन ज्वेल में बॉबी लेस्ली ब्रॉक लेसनर के हाथों हार जाते हैं, लेकिन बॉबी लेस्ली के हारने के बावजूद भी ब्रॉक लेसनर काफ़ी इमोशनल सा हो गए हैं और मैच खत्म होने के बाद बॉबी लेस्ली ने ब्रॉक लेसनर को दे दिया है धमकी। तो क्या कुछ हुआ है इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूं प्रिंस वर्धन और आप देख रहे हैं रेसल प्रिंस। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। क्राउन ज्वेल का मैच जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बॉबी लेस्ली एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद ब्रॉक लेसनर आते हैं। ब्रॉक लेसनर जैसे ही रिंग में आने के लिए होते हैं इतने में बॉबी लेस्ली उन पर अटैक करते हैं। ब्रॉक लेसनर को सीधा स्टील स्टेप के ऊपर बॉबी लेस्ली धक्का देते हैं, इससे ब्रॉक लेसनर के पैरों में चोट लग जाती है। उसके बाद बॉबी लेस्ली रिंग साइड के ऊपर एक जबरदस्त स्पीयर देते हैं और इतने से बॉबी लेस्ली का मन नहीं भरता है कि ब्रैकेट के ऊपर जैसे ही सहारा लेकर ब्रॉक लेसनर खड़े होते हैं एक ब्रैकेट के ऊपर भी तगड़ी स्पीयर देते हैं और ब्रॉक लेसनर को उठाकर रिंग में फेंक देते हैं। और वहां पर भी हमें ऐसा ही देखने को मिला, लगातार दो स्पीयर देते हैं और ब्रॉक लेसनर को पिन करते हैं, लेकिन दो काउंट होने के बाद तीसरे काउंट पर ब्रॉक लेसनर काउंट को ब्रेक कर देते हैं। इस मोमेंट को देखकर लगा कि जैसे ब्रॉक लेसनर को गोल्डबर्ग ने हरा दिया था उसी तरह बॉबी लेस्ली भी आज ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद ब्रॉक लेसनर फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, बॉबी लेस्ली को एक जर्मन सुप्लेक्स देते हैं और A5 देकर पिन करते हैं और बॉबी लेस्ली इजी से उनको किक आउट कर देते हैं। इस मैच में स्टार्टिंग समय में काफ़ी धमाकेदार एक्शन देखने को मिल रहा था, दोनों सुपरस्टार अपने फिनिशर का यूज कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मोमेंटम बॉबी लेस्ली के पास था। हमने काफ़ी टाइम से ऐसा नहीं देखा है कि ब्रॉक लेसनर को कोई भी रेसलर इतना डोमिनेट करे। इससे पहले वो रोमन रेंस से भीग चुके हैं, लेकिन रोमन रेंस ने भी ऐसा हालत नहीं किया था जैसा बॉबी लेस्ली ने हालत किया है। उस सिचुएशन को देखकर लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर इस मैच में हार जाएंगे और इतने में बॉबी लेस्ली हार्ट लॉक लगाते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर। काफ़ी देर तक ब्रॉक लेसनर के ऊपर हार्ट लॉक लगा रहता है। रेफरी कई बार ब्रॉक लेसनर को बोलता है कि इस मैच को क्यूट कर दो, लेकिन ब्रॉक लेसनर ऐसा नहीं करते हैं, वो फाइट करते ही हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि जब ब्रॉक लेसनर रिंग की रस्सी पर पैर रख के बॉबी लेस्ली को पीछे धक्का देते हैं और वहीं से बॉबी लेस्ली पिन हो जाते हैं और सारे लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि बॉबी लेस्ली भी शॉक हो गए कि ये कैसे हो सकता है। उस मैच में बॉबी लेस्ली हार चुके थे और मैच खत्म होने के बाद ब्रॉक लेसनर पर दोबारा से हार्ट लॉक लगाते हैं और वापिस से काफ़ी देर तक रखते हैं। जब बॉबी लेस्ली चले जाते हैं तो ब्रॉक लेसनर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी देर तक इमोशनल फेस बनाए हुए रहते हैं। और बैक स्टेज जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता है तो बोलते हैं कि इस मैच में वो डिजर्व करते थे जितना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो इस तरह क्राउन ज्वेल खत्म हो जाता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।